Hello students, welcome to short cell classes. Today I am make a basic important topic ke bare mein baat karne ja rahi hu. Wo topic hai multi electron multicellular bonding. Multicellular bonding aur ye this is somewhat related to polymerization because in monomer this type of multicellular bonding is not possible. So this kind of things are usually related to some polymers. So ऐसा मल्टीसेंट्रल बॉन्डिंग कैसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ टाइमली चेंज हो रहा है, मतलब एक बार इसके साथ कंपेयर हो रहा है और एक बार इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो किसी के साथ भी वो पूरा एक एक बॉन्ड नहीं बना के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है इस टाइप का अगर कोई बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेंट्रल बॉन्डिंग। मल्टीसेंट्रल बॉन्डिंग का जो पहला वाला हम लोगों का जो एग्जांपल आता है वो क्या है, डाइबोरिन। डाइबोरिन मतलब वो है B2H6। नाउ ये B2H6 क्या है, डाइमर ऑफ BH3 है कि नहीं, BH3 का डाइमर ये है। तो अगर ये BH3 का अगर ये डाइमर है तो डाइमर क्यों फॉर्म हो रहा है, ये BH3 स्टेबल क्यों नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आएगा। ऐसा किसी के साथ मीन चूज कर रहे हैं क्या, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। सो अभी देखते हैं अभी क्या होगा कि ये B2H6 ये डायमंडाइज होता है, लेकिन हम लोग मैंने बोला कि इसका जो हाइड्रोजेंस है इसका कितना हाइड्रोजेंस है, इसका 6 हाइड्रोजेंस है, तो मैंने ऐसे लिखा कि 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन कुछ अलग टाइप का है। तो आप ऐसे तो नहीं मानोगे कि क्या क्यों हो रहा है, तो अभी देखना पड़ेगा कि ये अलग क्यों है। तो अभी हम लोगों ने B2H6 उसके ऊपर ये वाला डीएचएन डाला, तो क्या हुआ B2H2ME4। उसके बाद नॉर्मली ये वाला बना, उसके बाद हम लोगों ने इसको ज्यादा हीट किया तो ये वाला बन गया B2। तो ये वाला इंटरमीडिएट अगर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब देयर इज डेफिनेटली 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। तो उसको थ्योरी को बनाने के लिए हम लोगों ने मल्टीसेंट्रल बॉन्डिंग का डेफिनेशन आया। तो मल्टीसेंट्रल बॉन्डिंग में आके क्या हुआ कि ये B2H6 का स्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन ये B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे आया, ये है एक बी, ये बी, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी है, इसलिए ये क्या करता है, दो स्ट्रक्चर मिलके एक बॉन्ड बनाता है। तो ये जो मिडिल वाला बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बनाता है। तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है हम लोग देखते हैं कि बी कौन से स्टेट में रहता है, बी रहता है sp3 पॉड में, यहां भी एक sp3, यहां भी एक sp3, ये है करके लेता है, मतलब इसका sp3 2 sp3 ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल वो ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ बॉन्ड। ये बेंड बॉन्ड है, बेंड। और एक चीज इधर इंपॉर्टेंट है कि ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको थ्री सेंटर्ड जी सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3, सेंटर तो 2 3 हो गया। तो अभी इसमें क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक में एक खाली पड़ा रह गया, दो इलेक्ट्रॉन इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको कहते हैं। तो ये वाला टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए पूरा बोरोन का जो केमिस्ट्री है, बोरोन का जो बोरोन बोरोन बॉन्ड, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो लिनियर बॉन्ड, बोरोन का जो एंडॉन इन बॉन्ड, जो भी बोरोन का बॉन्ड है वो सब पूरा इस केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके आता है। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं कि बोरोन में सिर्फ ये वाला ही बोरोन देता है, और भी स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऐसा बॉन्ड आता है, उसका दो एक का मैं एग्जांपल देती हूं। एक है जहां पे भी डेफिशिएंसी है वहीं पे भी वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर है जो है लेकिन ये स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर हो, एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत है, वो है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन कहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर, देयर विल बी नो बैक बॉन्डिंग। अभी बैक बॉन्डिंग के बारे में मैं अभी बोल रही हूं। और एक आएगा लो टेम्परेचर, क्योंकि यदि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बेंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब चीज ये थ्री सेंटर मल्टी सेंटर बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड में ये है नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग मतलब जो भी स्ट्रक्चर से नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के वजह से और भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल, कोई लोन पेयर अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो और टाइप का स्ट्रक्चर आ सकता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि BF3, ये क्या होगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल से ये तो फील्ड ऑफ ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा फ्रॉम दिस टू दिस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन के वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर और डाइमराइजेशन नहीं करेगा, B2F6 दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो अभी और थोड़ा थोड़ा ये वाले मल्टी सेंटर बॉन्डिंग का एग्जांपल देखते हैं, एक्सेप्ट बोरोन। ये है BCl2, ये कोवेलेंट है, लेकिन इसमें भी क्या है, ये है 2s2 ये इस दोनों के साथ बॉन्ड करके इसका 2 कितना बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके पास है और दो ले लिया तो 4। तो ये 4 इसको चेंज करने के लिए
ये भी स्ट्रक्चर पॉलीमराइज करके Bn2Cl4 देता है, Bn2Cl4 देता है। उसमें कैसे स्ट्रक्चर आता है, वो इधर चार इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए जो चार ही क्लोरीन है वो चार ही ऐसे बॉन्ड फॉर्म करके रह जाएगा। ये हो जाएगा BCl2 का स्ट्रक्चर। और एक एग्जांपल इधर है, वो है Al2Cl6, वही सेम टाइप का, ये भी डाइमेराइज करके रहता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर फॉर्म हो जाता है, ये भी प्राइमराइज करके रहता है। और होता है एक स्ट्रक्चर, वो है Al2Me6, जहां पे ये Me कैसे बनता है, Me फ्री रेडिकल की तरह रहता है। सिंपल वन रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, इसमें दो टाइप का एमी आता है, एक एल एमी एमी ये क्या करता है, इसका जो बॉन्ड है और ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, ये तीनों इंटरैक्ट करके और ऊपर में भी और ये वाला, तीनों इंटरैक्ट करके ये वाला बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये सारा हो गया एल्यूमिनियम, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये सारा हो गया मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसके आता है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसके जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स।